हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनसाइट्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज हैं एंड उसको ट्रीटमेंट उसका कैसे किया जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़। ये भी जिन लोगों ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ा या सुना है उन्हें पता होगा कि पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़ भी एक टर्म इसी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे ही हमारे घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है, कोई न्यू लाइफ आती है, तो हमारे घर में एक्साइटमेंट, जॉय, फियर एंड एंग्जाइटी, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो साथ में आते हैं। लेकिन उसके साथ एक ऐसा इमोशन भी आता है जिसको ना तो लोग देखना चाहते हैं और ना देख पाते हैं। मोस्टली सब लोग यही सोचते हैं कि विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। आपको इसका ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल करवा लेना चाहिए। जैसे ही आप एक्नॉलेज करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नाउ पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या? ये एक तरह का डिप्रेशन है जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मदर्स को ही होता है, ये फादर्स में भी होता है। मे बी फादर्स में ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो, लाइक 3 to 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये स्टार्ट हो सकता है, बट इसकी वजह से फादर्स की भी जो यूजुअल ईटिंग हैबिट्स होती हैं या स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं उनमें चेंजेस आते हैं, उनमें भी मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, वो ऑल्सो भी इरीटेटिंग बिहेव करते हैं। सो फादर्स में भी ये प्रॉब्लम होती है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की है। अब अगर हम बात करें कि पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़ क्या है, सो पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़ में भी वही सारे सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट, बट लेसर सीवियर कंडीशन है, क्योंकि ये जो है सेकेंड या थर्ड डे से स्टार्ट होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड ये लास्ट करता है फ्यू वीक्स, मे बी 1, 2 और मैक्सिमम 3 वीक्स तक ही ये रहता है चाइल्ड बर्थ के बाद। लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग है एंड 1 साल से ज़्यादा भी रह सकता है, मोर देन एन ईयर इट कैन लास्ट। तो अगर हम बात करें कि बेबी ब्लूज़, पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़ के क्या सिम्टम्स हैं, तो उसमें आपको मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, क्राइंग, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, एपेटाइट प्रॉब्लम्स, ट्रबल स्लीपिंग, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़ फील कर रहे हैं तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स सामने अपने में ये चेंजेस दिखाई देंगे। ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, सो दैट कि आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़ आपको प्रॉब्लम है, ना कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। सो सबसे पहला सिम्टम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, डिप्रेस्ड मूड और सीवियर मूड स्विंग्स, एक्सेसिव क्राइंग, डिफ़िकल्टी बॉन्डिंग विद योर बेबी, विदड्रॉइंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ एपेटाइट और ईटिंग मच मोर देन यूजुअल, inability to sleep, insomnia or sleeping too much, overwhelming factors, fatigue or loss of energy, reduced interest and pleasure in activities you used to enjoy, intense irritability and anger, fear that you are not a good mother, hopelessness, feelings of worthlessness, shame, guilt or inadequacy, diminished ability to think clearly, concentrate or make decisions, restlessness, severe anxiety and panic attacks, thoughts of harming yourself or your baby, recurrent thoughts of death or suicide. So, आप लोग इन दोनों के symptoms को देख के पता लगा सकते हैं कि condition severe है postpartum depression की। Also, ये long lasting है, ये 1 साल से भी ज़्यादा तक भी हो सकता है। So, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ, आपको ये सारे symptoms आपके नेचर में आपको फील हो रहे हैं, आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। डॉक्टर को कंसल्ट करने का सही टाइम कब है? अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो फेड नहीं हो रहे हैं विद इन आफ्टर 2 वीक्स भी, आर गेटिंग वर्स एंड आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि आप अपने बेबी की केयर करें, एवरीडे टास्क नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, एंड अगर आपको अपने आप को या अपने बेबी को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं तो। नाउ अगर हम बात करें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता ही क्यों है, इसके जो कॉजेज़ हैं या जो रीज़न है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों हो रहा है,
वो अभी तक भी अननोन है, मतलब किसी को 100% श्योर शॉट नहीं पता है कि यही वजह है जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है. बट ऑब्वियसली बिकॉज प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से कि हम इस स्टेट में जा सकते हैं. वो फिजिकल भी हो सकते हैं एंड इमोशनल भी हो सकते हैं. अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल क्या चेंजेस हैं, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस ऑब्वियसली होते हैं. आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, हमारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल जो है इमीडिएटली बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देन थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उस हार्मोन का भी लेवल एकदम से नीचे जाता है, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है. नाउ अगर हम इमोशनल इश्यूज की बात करें, आप सभी को पता है कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ. आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ना कर पाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. आपकी फिज़िकल अपीयरेंस चेंज होती है, मोस्टली मदर्स के लिए ये बात है. फिज़िकल अपीयरेंस आपकी चेंज होती है, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी फाइंड करने का ट्राई करते हैं. जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं स्पेशली उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज़ पहले उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, बट आफ्टर बेबी वो जॉब कंटिन्यू ना कर पाने की वजह से भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं. उनका अपनी लाइफ पे से कंट्रोल चला जाना या उनका अपनी लाइफ पे कंट्रोल ना होना और नींद पूरी नहीं हो पाना. या अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सो ट्रीटमेंट में जो है, अगर आपका डिप्रेशन माइल्ड है तो आपको काउंसलिंग या सोशल ग्रुप्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं. एंड अगर आपका डिप्रेशन जो है वो सीवियर है तो फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हो गई प्लस आपको काउंसलिंग ये प्रेस्क्राइब करेगा जो आपका डॉक्टर है. सो ये मेरा वीडियो था पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे. इन केस अगर और कोई क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं. एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड नियर वंस में ज़रूर इसको शेयर करें, सो दैट अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ये चीज़ वीडियो देख के समझ आए एंड वो डॉक्टर्स की हेल्प लें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी. एंड इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ एंड कर रही हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.